ट इज जस्ट डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ डाटा तो हमने अभी जो डेफिनेशन देखी है उसके हिसाब से नाव लेट इज जस्ट फर्स्ट डिस्कस वन और टू रियल टाइम एग्जाम्पल ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन हो जाए कि जब मैं डाटा की बात कर रहा हूँ तो वॉट एक्चुअली आई एम आई मीन इन रियल टाइम बिकॉज ऑब्वियसली यू पीपल विल लुक अराउंड टू फाइंड आउट द डाटा एंड डाटा रियली एग्जिट एवरी वेयर इट्स इट्स अ रियलिटी इट्स अ फैक्ट इट एग्जिस्ट एवरी वेयर सो नाउ

इट कैन बी ऑन ऑन अ बुक इट कैन बी ऑन अ क्लाउड इट कैन बी ऑन सम वेबसाइट तो वो हमारा कंसर्न नहीं है हमारा कंसर्न ये है कि हमें ये ये समझने की कोशिश करनी है कि हाओ द डाटा इज मैप्ड विद दिस एग्जाम्पल तो बेसिकली वैन आई से हमारे पास एक टेलीफोन डायरेक्ट्री है तो टेलीफोन डायरेक्ट्री के अंदर ज़रा स्ट्रक्चरली समझें कि उसके अंदर होता क्या है टेलीफोन डायरेक्ट्री के अंदर बेसिकली वी आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्टन फैक्ट्स तो, तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमारे पास एक रेपोजिटरी मौजूद है जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स स्टोर किए हुए हैं लोगों के एड्रेस हैं फ़ोन नंबर हैं लोकेशंस हैं एड्रेस है और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आपने ए टू जी लिस्टिंग की हुई है एक पूरे शहर की फॉर एग्जांपल। एड्रेसेस की कितने उसके उस शहर में क्या घर हैं उन घर के एड्रेसेस क्या हैं और फॉर uh, एग्जांपल बंदे का नाम क्या है या फ़ोन नंबर क्या है so तो वी कैन सर्च अ टेलीफ़ोन डायरेक्टरी टू फाइंड आउट सर्टन थिंग तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो uh, जो टेलीफोन डायरेक्ट्री है इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ फैक्ट कुछ फैक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं लोगों के, के घर मौजूद हैं फिजिकली मौजूद हैं और ये हकीकत है उस हकीकत तो हम को हमने कुछ पेपर में हमने या ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया तो ये 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 पहला कंपोनेंट uh, है डाटा का क्या आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए जो कि कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड देन यू विल ट्राई टू से नाउ वी आर हैविंग सम फैक्ट्स ओवर सम मीडियम मीडियम कैन बी बुक मीडियम कैन बी क्लाउड मीडियम कैन बी सम वेबसाइट और व्हाट्सअप तो पहला तो पहले कॉम्पोनेंट डाटा का टेलीफोन डायरेक्टरी में इट्स कॉन्टेन हीज अमाउंट ऑफ फैक्ट्स दूसरा दूसरा हमारा डाटा का कॉम्पोनेंट ये था कि उसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है इसे मुराद यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आ, हमारे पास टेलीफोन डायरेक्ट्री में एक लाख रिकॉर्ड्स हैं तो एक लाख रिकॉर्ड्स का जो इस्टोर करने का तरीका है जो स्टोर करने का फॉर्मेट है वो एक ही होगा यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले फर्स्ट नेम स्टोर कर रहे हैं लास्ट नेम स्टोर कर रहे हैं फिर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और फिर फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं तो एक लाख रिकॉर्ड का या एक, एक लाख जो फैक्ट्स हमने लिखे हुए हैं उन सब का तरीक़ेकार यही होगा स्टोरेज का पैटर्न एक ही होगा ऐसा नहीं हो सकता कि पहले घर का एड्रेस हो के पहले हमने उसके अंदर फोन नंबर स्टोर कर लिया है फिर हमने फर्स्ट टाइम स्टोर किया फिर लास्ट टाइम स्टोर किया और दूसरे रिकॉर्ड के अंदर या दूसरे घर के रिकॉर्ड के अंदर हमने पहले उसका फर्स्ट टाइम किया है और फिर फोन नंबर किया है और फिर लास्ट टाइम किया है ऐसा नहीं हो सकता द फॉर्मेट हैज टू बी कंसिस्टेंट अक्रॉस अक्रॉस द द फैक्ट्स और इन द मीडियम ऑफ स्टोरेज टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर दो इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है लेकिन इट हैज टू बी कंसिस्टेंट तो बाई डेफिनेशन दैट्स द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑफ डेटा दैट इट विल हैव सम इंटरनल कॉमन स्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं हो सकता अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा या हमारे जो फैक्ट्स हैं वो इनकंसिस्टेंट हो गए हैं नाउ दिस इज फर्स्ट कॉमन एग्जाम्पल इन आर रियल लाइफ विच एग्जिस्ट एवरीवेयर नाउ द द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑफ डाटा इज व्हिच विल बी मोर क्लोजर टू द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल दस स्टूडेंट्स हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अब डेटा ये है कि हमने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स स्टोर करने हैं अगेन कुछ चीज है कुछ हमने स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड में लेके आनी है यानी या पेपर पे लिखना है या मीडियम या या हमने कंप्यूटर पर लिखना है यूजिंग एनी मीडियम मीडियम के बाबा के ऊपर मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा तो हमने स्टूडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स स्टोर करने हैं तो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट ये हो सकता है कि स्टूडेंट की आई क्या है दूसरा फैक्ट ये हो सकता है कि स्टूडेंट स्टूडेंट का नेम क्या है स्टूडेंट का जीपीए क्या है तो ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट के बारे में एग्जिस्ट करते हैं अब हम फैक्ट की बात करें तो स्टूडेंट आई को यूजली हम लोग फैक्ट इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये वो आई होती है जो उसको यूनिवर्सिटी एलोकेट करती है तो सो मे बी स्टूडेंट की आईडी इज नॉट डेटा बाय डेफिनेशन इट इज़ वॉट वी कॉल एन आर्टिफिशियल डाटा आर्टिफिशियल डाटा से मुराद ये है कि समथिंग विच यूनिवर्सिटी हैज़ अटैच्ड विद अदर फैक्ट्स तो अदर फैक्ट कैन बी नेम जी पी ए फोन नंबर ई मेल एंड ऑन। सो सो बेसिकली स्टूडेंट के स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट के जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इस्टूडेंट के फैक्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें हमने इस्टोर की हुई हैं और जो की हमने समझनी है वो हमने ये समझनी है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल दस हजार स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या वट्स एवर तो इन इन तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड में स्टोर करने का तरीका यही होगा कि पहले फॉर एग्जाम्पल नेम आ रहा है फिर जी आ रहा है दूसरा स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल उसका भी नेम उसका भी जी फॉर एग्जाम्पल पहला स्टूडेंट अली है उसका जी पी है फॉर एग्जाम्पल दूसरा स्टूडेंट कामरान है उसका जी पी है फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीसरे स्टूडेंट का पहले जीपीए स्टोर कर लें और बाद में उसका नेम स्टोर करें इट वोंट वर्क इट डजेंट गो लाइक दैट बिकॉज जब हम कह रहे हैं कि डाटा हैज़ इंटरनल स्ट्रक्चर तो दैट इज वैक्ट वॉट एक्चुअली आई मीन वेन आई से इट हैज़ सम इंटरनल स्ट्रक्चर तो बेसिकली तो दो कंपोनेंट हो गए डाटा के अंदर दो कंपोनेंट हो गए एक फैक्ट है और एक एक स्ट्रक्चर एक, एक है फैक्ट ये कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं और स्टूडेंट के बारे में हम कुछ स्टोर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल नेम है जी है और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट का डाटा है वो वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं दैट इज वॉट क्वालिफाइज टू बी डेटा सम स्ट्रक्चर प्लस फैक्ट्स।